अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकोड़े। आलू मैंने 6 अदद लिए हैं, 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 10 हरी मिर्चें ली हैं। इनको बारीक बारीक काट के मैं इसमें बेसन में डालूंगी। बेसन मैंने आधा किलो लिया है। आधा किलो बेसन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत, 2 टेबलस्पून मोटी कुटी हुई मिर्चें मैंने डाली हैं। अब 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर अनारदाना 2 टेबलस्पून डाल दूंगी इसके अंदर। ये 2 टेबलस्पून हो गए हैं, ये अनारदाना डाल दिया। 1/2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर हल्दी, 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर नमक इसमें डाल दिया मैंने स्पून, 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। अब आलू हमने लेना है। आलू को हम इस तरीके से इस तरह हम बारीक बारीक से टक लगा देंगे और हमने इस शेप में इसके अंदर बारीक बारीक करके आलू डालने हैं। ये देखें, इस तरह से आलू हमने इस तरह बारीक बारीक से करके इस तरह से हमने इसके अंदर डालने हैं आलू। ये सारे आलू काट लूं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। आलू मैंने काट लिए हैं। अब मैं प्याज भी मैं इस तरह बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल दूंगी। 3 अदद प्याज लिए हैं, तीनों प्याज मैंने इसके अंदर बारीक बारीक करके काट के डाल देने हैं। प्याज मैंने काट लिया है ये सारा, और अब मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ। हरी मिर्चें भी हम इस तरीके से बारीक बारीक काट के इसके अंदर डाल देंगे। मैंने 10 हरी मिर्चें ली हैं, मेरे पास आधा किलो बेसन है, 3 प्याज थे, 6 आलू थे, 10 हरी मिर्चें हैं जो को भी मैंने काट लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पानी डाल के मिक्स करते हैं। पानी मैं थोड़ा सा डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी, फिर जितना हमें पानी चाहिए होगा हम उतना इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं करना इस्तेमाल कि ये पतला मटेरियल हो जाए। रमज़ान है, रमज़ान में आप इस तरह के पकौड़े बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ना ज़्यादा इसको पतला रखना है और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रखना है। आइए हम इसके पकौड़े तैयार करते हैं। घी को मैंने पहले ही इसे गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। इस तरह इतना इतना चम्मच इसके अंदर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, खुला खुला करके इसके अंदर डालते जाएंगे। जितने पकोड़े आसानी से इसके अंदर आ सकते हैं हम उतने पकोड़े इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर डालें तो ये जुड़ जाते हैं। ये देखें, जब पकोड़े तैयार होने शुरू हो जाएंगे तो ये पकोड़े खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। तो जब एक साइड से पकोड़े हो जाएं तो हम इसकी साइड को पलट देंगे। इस तरह से सारे पकोड़े हम पलट देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया था, मीडियम कर दिया था, तो अब मैंने फिर फ्लेम को हाई कर दिया है। तो जो पकौड़े हमारे तैयार होते जा रहे हैं वो मैं निकालती जा रही हूँ।
ये देखें, ये पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं। ये अरमानियों की चटनी है, ये मैंने आपको पहले बनानी सिखा दी थी। और ये पकोड़े हमारे बहुत क्रिस्पी तैयार हुए हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, पकोड़े बहुत गर्म हैं और ये देखें कितने अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत क्रिस्पी बने हैं। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। और बच्चों को भी, अरमानियों की चटनी है ये, आप मेरे चैनल में देखें, मैंने ये आपको बनानी सिखा दी हुई है अरमानियों की चटनी। आप इसको इमली की चटनी, हरमानी की या केचप के साथ जैसे भी खाना पसंद करें आप खा सकते हैं। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं आलू प्याज और हरी मिर्चों के। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।